पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग आए मौके को देखने में। अभी सर सिचुएशन ये है अपना उस्ताद मोहम्मद की कि पानी हमारे हमें सिंध ने छोड़ दिया है गड़ंग से। हमने कोशिश किया कि वो ना छोड़ें। गड़ंग की शाखों से वहाँ दो किनाल पानी निकलते हैं, खीरसर किनाल जो बलूचिस्तान में आती है और एक जाती है सैफुला किनाल जो सिंध की तरफ जाती है और शहदाद कोट की तरफ और गढ़ी खैर उन इलाके को ज़राब करती है। अभी उन्होंने क्या किया है, रात से आके हमारे बलूचिस्तान के दरवाज़े खोल दिए हैं, अपना जो सैफुला शाख के दरवाज़े हैं वो खोले नहीं हुए हैं। अभी ज़्यादा पानी का प्रेशर जो है भाव का वो खीरसर किनाल के ऊपर है और वो उसका हमारे जो अपर इलाका है खानपुर फैज़ाबाद के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर डेवलप होगा पानी का। किसी भी टाइम कोई वाटर कोर्स या ब्रिज लग सकता है खीरसर को। इसलिए मैं अपने बलूचिस्तान इंतज़ामिया को भी, पाक आर्मी को भी, एफसी को भी कि हमारे जो पॉइंट्स हैं डिवाइडर हैं जो सिंध बलूचिस्तान के इरीगेशन के या हमारे बॉर्डर्स आके यहाँ संभालें। हम ये नहीं कहते कि सिंध को डूबें, जितना पानी अगर वो हमें हमारी तरफ आ रहा है वो उतना शेर अपना सिंध वाले अपनी सैफला किनान में लें कि उससे फिर हमारा आगे मुकद्दर नसीब कम अज़ कम हम कहते मेरिट हो। दूसरा भी पानी का दबाव ज़िला नसीराबाद का, सोबतपुर का, डेरा अलहार की तरफ से, बाला शाख की तरफ से, कैटल फार्म की तरफ से इधर हमारे ऊपर डेवलप हो रहा है खानपुर शाख के ऊपर खीरसर किनाल पे। अभी हम लोग ब्रिजेस लगा रहे हैं रोड को कि पानी को रास्ता दें, आगे अल्लाह खैर करेगा दो तीन दिन में और मज़ीद पानी आने का ख़तरा है। सर हम तो अभी लोकल भी हो सकते हैं और वहाँ दोनों करें, हुकूमत भी तामुन नहीं कर रही, वहाँ के जो अपर के ज़िम्मेदार हैं वो भी तामुन नहीं कर रहे। बातें सीधी अभी हम तो ये नहीं चाहते, इसलिए हम कह रहे हैं कि आके बलूचिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, एफसी आ जाए कि उनसे कोऑर्डिनेट करें कि भाई जो पानी आप खीरसर का हिस्से में डालना चाहते हैं बेशक डालें, मगर अपने हिस्से का पानी सैफुला किनाल में डालें। अभी सारा पानी जो आप हमारे किनाल में तोड़ेंगे तो इसका यही मतलब है उस्ताद मोहम्मद शहर को शदीद ख़तरा लाक है। पहले बारिशों से दो दो तीन तीन फुट शहर के अंदर ऑलरेडी पानी ठहरा हुआ है। शहर वालों को आप क्या वैसे देंगे, तो कोई शरीर परेशानी की मसला है क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम भी तमाम खत्म हो चुका है दो दिन से, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव? अभी उस्ते वालों को तो यही मैं कह सकता हूं कि अपने अल्लाह के रखें, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा हाल है पूरी हमारी फैमिली कर रही है, खाली मैं नहीं हूँ, हमारा जो पूरे जो सारे जमाली खानदान है, दूसरे लोग भी हैं यहाँ लोकल, सारा हमारी हेल्प कर रहे हैं, इरीगेशन भी कर रहा है, डीसी भी कर रहा है, ऐसे नहीं उनको मैं नहीं कहूँ, लेकिन यहाँ के वसाइल कम हैं। अब इस टाइम हमारे पास टोटल दो तीन एक्सकवेटर चल रहे हैं, ये पानी जब मशीनरी ज़्यादा होगी तो हम रोक सकते हैं। अब यहाँ दो या तीन एक्सकवेटर से या इन इंतजाम से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ शहर वालों को भी आके तावन करें, वो कर भी रहे हैं, हिंदू कम्यूनिटी हैं, दूसरे हैं कि रोटियाँ दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की आफत तो कई सौ सालों के बाद आई इस इलाके में। शहर के अंदर पानी है, लोग मर रहे हैं, उनके घर गिर रहे हैं, शदीद बहरान है और इस किस्म का ये 2010 और 12 से ज़्यादा नुकसान हुआ इलाके का और पानी भी पीछे से ज़्यादा आ रहा है। अभी भी मुझे इतलात मिली है कि डेरा लायार बाईपास के ऊपर से पानी चल रहा है। अगर वो इंशाल्लाह आते हैं उनको हम मोस्ट वेलकम करेंगे, मौके पे आए हम इनको बताएंगे अपने इलाके की हालत की ये हालत है और शदीद बहरान का शिकार है। हमें देखे पानी तीन चार डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, सोबतपुर से आ रहा है, नसीराबाद से, झलबक्सी से आ रहा है। अभी आखिरी जो सिंध वाले भी मेहरबानी कर रहे हैं कि ये पानी भी छोड़ रहे हैं, तो बस फिर अल्लाह रहम करेगा इंशाल्लाह बस।